गाजियाबाद से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा का आज ये मेरा 9वां दिन है। और आज मैं कल रात में सोया था स्टेशन पे, लेकिन वहाँ पर जल्दी जो सफाई करते हैं इसकी वजह से मुझे उठ के जाना पड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3-4 घंटे की नींद ली। अब मैं हर की पौड़ी भी जा रहा हूँ नहावा के, फिर आगे निकल जाऊँगा हर की वजह से। दोस्तों कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पे, और आज ये मेरा है 9वां दिन। और यहाँ देखो इधर के नज़ारे, सनराइज हो रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है सनराइज। और वहाँ वो एक पार्क है, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, अगर मैं उधर से निकलता हूँ तो आपको दिखाऊंगा। बाकी उधर है हर की पौड़ी और मैं अभी नहा वहा के आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं हर की पौड़ी से जो बाहर की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ की यहाँ से मेन रोड है, और इधर ये चाय की दुकान है भैया की, यहाँ पे मैं चाय नाश्ता किया और अपने फ़ोन वोन चार्ज किए, क्योंकि कहीं पे पीछे मैं जहाँ चाय पीने रुका था वहाँ पे चार्जिंग के 20 रुपये मांग रहा था पर फ़ोन के, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया और यहाँ पर मैंने चाय पी और फ़ोन भी चार्ज कर लिया मैं। अब ये हर की पौड़ी से ही मेरे साथ चल रहा है, अब पता नहीं कि रोड के बीच में जाता है और फिर देखो जैसे रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। तो गूगल मैप की वजह से मैं पुराने वाले रास्ते से आ गया, जो अब रास्ता है वो पुल के ऊपर से है। मैंने सोचा छांव में चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ लिख रहा था कि यहाँ पे अब ये रास्ता बंद है और यहाँ पे हाथियों और बाघों से बच के रहें। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, यहाँ पे रास्ते में कोई नहीं दिख रहा, देखो मैंने चक्कू निकाल के रख रखा है। तो अभी हमें रास्ते में देखो एक भैया मिले, जो कि क्या उद्देश्य भैया इसका? भैया देखो, आप जैसे जानते हैं कि 23 मार्च शहीद दिवस हमारा होता है जी, लेकिन किसी भी स्कूल में या फिर आप किसी भी संस्था में जाओगे तो 23 मार्च के लिए शहीद दिवस के बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप जानते थे इससे पहले क्या? नहीं नहीं, जो शहीद दिवस जो मनाया जाता है, हमारे क्रांतिकारी जो थे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपनी शहादत दी, हमारे देश के वीर जवान जो थे जो शहादत देते हैं सीमाओं पर, पुलिस वाले जो हमारे देश के हमारी रक्षा में जान देते हैं, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी की एक मुहिम चला रहा हूँ मैं, जिससे कि सबको जागरूक किया जा सके, शहीद दिवस को एक राष्ट्र पर्व के तौर पर मनाया जाए ताकि सब लोग। कैसे कैसे निकले हैं आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। अच्छा, और हरिद्वार ज्वालापुर से पैदल बिना जल के उत्तर सिंह धामी जी के आवास तक जाऊँगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसकी शुरुआत उत्तराखंड से कराना चाहते हैं आप? हाँ, उत्तराखंड में आके स्टार्ट किया इसकी। अच्छा, ऋषिकेश वाले रास्ते में एक मंदिर पड़ता है श्री सत्यनारायण मंदिर, यही है। तो यहाँ ये मंदिर है, और कहते हैं कि भैया ने मुझे बताया कि अगर यहाँ पे चार धाम की यात्रा जब करते हो तो ये यहाँ दर्शन ना करो आते और जाते वक्त, तो दर्शन पूरे नहीं माने जाते। वहाँ भी सामने एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है शायद। ये है नेपाली फार्म यहाँ पे, और ये रास्ता जाता है देहरादून की तरफ, और ये रास्ता जाता है सीधे ऋषिकेश की तरफ। तो हम इसी रास्ते पे जा रहे हैं और धूप से हाल बेहाल है, लेकिन हम चल रहे हैं। पीछे वो भाई मिल गया, उसके साथ थोड़ा सा साथ मिल गया था, लेकिन भाई को जाना है देहरादून की तरफ और मुझे जाना है ऋषिकेश की तरफ, इसलिए मैं अलग हो गया। और ये पुल क्रॉस करके कहीं पे देखेंगे और रेस्ट करेंगे। तो भाई गर्मी उतनी हो रही है कि कहीं चलने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पर रुक के रेस्ट कर रहा था छोटे के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? देव के साथ। इसलिए मेरे लिए पंखा भी चला दिया, देखो इतनी गर्मी में, गर्मी देखो क्या जोरदार गर्मी हो रही है, धूप देख रहे हो कितनी तगड़ी हो रही है, उसमें इसने मेरी हेल्प करी है। तो अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अभी मैं हूँ जानकी झूला पे, और ये है जानकी झूले से आसपास का व्यू। और अभी हमें एक होटल में इनविटेशन मिला है, निर्वाणा पैलेस, जो कि जानकी झूला से लगभग ठीक सामने ही है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और बाकी मैं वहाँ पर अपडेट दूंगा आगे जाके। अब काफ़ी थक गया हूँ मैं, लगभग शाम हो गई है, शाम ढलने लगी है, बहुत थक गया हूँ मैं। तो आज का स्टे हमारा इस होटल में है, जो कि त्रिवेणी घाट से आगे जो जानकी पुल है उसी के ठीक सामने पड़ता है निर्वाणा पैलेस, और काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी बढ़िया होटल है। अगर कभी आप इस तरफ आते हो और आपके बजट में होटल पड़ता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट होटल होगा ये, और वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा था और सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी। और अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ और मैंने नहा लिया और कपड़े इसी के अंदर मैंने सूखने के लिए डाल दिए, और मैं अभी
शर्टलेस हूँ, इसलिए मैं अपनी बॉडी दिखाना नहीं चाहता। और अभी तो मैं काफी थका हुआ हूँ, बस कुछ खा के और अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर बाकी वीडियो का काम करूंगा मैं। तो ये देखो हमने रूम का क्या हाल बना रखा है, सामने सूख रहा गमछा, वहाँ मेरा कच्छा और मेरी टी शर्ट, वहाँ मेरी एक और टी शर्ट और मेरी कार्गो। तो कितना ही महंगा रूम दे दो, कितना ही फैसिलिटी दे दो, देसी देसी रहेंगे। मजबूरी है, क्या करें। मैं दो जोड़ी कपड़े लाया था, उन्हें धोना पड़ता है साथ के साथ। बाकी रूम बहुत बढ़िया है, यहाँ पर ये वाली लाइट भी है। अब तक हम टीवी में देख मैं टीवी में देखता था अब तक कि लोग अपने सिरहाने से ही ऐसे लाइट बंद कर देते हैं, यहाँ पे वाली लाइट है। मतलब ये सीन मैं टीवी में देखता था कि सब अपने सिरहाने से लैंप बंद करके सो जाते हैं, तो ये वाला सीन मैंने पहली बार देखा, मुझे अच्छा लगा। वैसे काफ़ी बढ़िया होटल है, अगर तुम्हारे बजट में हो ना तो इससे बेस्ट होटल नहीं होगा कोई।